नमस्कार, द लीडर हिंदी के बरेली बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अपना प्रस्तुत होगी। आइए फटाफट अंदाज में जानते हैं कि आज बरेली में दिनभर क्या रहा। मजार पर फोर्स देखकर पहुंची भीड़, हंगामा। पीलीभीत बाईपास पर रोहिलखंड यूनिवर्सिटी से सटी मजार पर बुधवार दोपहर फोर्स पहुंचा तो ये चर्चा फैल गई कि मजार को हटाया जा रहा है। थोड़ी ही देर में मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई। हंगामे के बीच जाम की स्थिति बनने लगी। सूचना पर दरगाह आला हजरत से जुड़े संगठन TTS और मौलाना तौकी रजा की पार्टी IMC के पदाधिकारी भी पहुंच गए। उन्होंने भीड़ को समझाकर शांत कराया। फिर मजिस्ट्रेट नैनेराम, CO व इंस्पेक्टर बारादरी के साथ वार्ता की। IMC प्रवक्ता डॉक्टर नफीस खान का कहना है कि मजार 150 साल पुरानी है। लंबी बातचीत के बाद तय हुआ कि सावन में कावड़ यात्रा और मुहर्रम निकलने के बाद मजार के मसले पर एक बार फिर से बैठकर बात होगी, उसके बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा। चर्चा है कि पीलीभीत बाईपास रोड को चौड़ा किया जाना है, उसके लिए धार्मिक स्थल को शिफ्ट किए जाने की तैयारी है, लेकिन फिलहाल इस सिलसिले में अभी कोई भी आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। कावड़ यात्रा को लेकर संयुक्त टीम करेगी चारों बॉर्डरों का निरीक्षण। सावन माह में नाथ नगरी आने जाने वाले कावड़ियों को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत न हो, इसके लिए प्रशासन सतर्क हो गया है। इस संबंध में कमिश्नर सौम्या अग्रवाल ने बुधवार को सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक करी। इसमें उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिन रूट पर कावड़ यात्रा निकलती है उन्हें तुरंत दुरुस्त किया जाए। पुलिस, नगर निगम, विद्युत विभाग, PWD व जल निगम समेत अन्य विभागों की संयुक्त टीम बनाकर चारों बॉर्डरों का निरीक्षण करके सभी खामियों को दूर किया जाए। धर्मस्थल में मिले मांस के टुकड़े, गांव में तनाव। हाफिजगंज के गांव सनेकपुर में असामाजिक तत्वों ने माहौल बिगाड़ने का प्रयास करा। असामाजिक तत्वों ने मंगलवार रात धर्मस्थल में मांस व खाल के टुकड़े फेंक दिए। बुधवार सुबह श्रद्धालु पूजा करने पहुंचे तो मांस के टुकड़े देकर आक्रोशित हो उठे। सूचना पर इंस्पेक्टर चेतराम वर्मा व CO चमन सिंह चावड़ा फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे और धर्मस्थल की मांस के टुकड़ों को हटवाकर धुलाई करवाई। ग्रामीणों से शांति बनाए रखने की अपील करी। घटना के बाद गांव में तनाव को देखते हुए PAC तैनात कर दी गई है। मंदिर से लौट रही किशोरी से दूसरे समुदाय के युवक ने की छेड़छाड़। किला थाना क्षेत्र निवासी एक किशोरी मंगलवार शाम अलकनाथ मंदिर में दर्शन करके लौट रही थी, तभी रास्ते में मलुकपुर निवासी रेहान किशोरी का हाथ पकड़कर खींचने लगा। किशोरी के शोर मचाने पर भीड़ ने आरोपी को दबोच लिया, फिर सूचना पर पहुंची पुलिस के हवाले कर दिया। पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने रेहान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। बुद्ध की प्रतिमा हटाने का ग्रामीणों ने किया विरोध। इज्जत नगर थाना क्षेत्र के गांव चावड़ में प्रशासन द्वारा भगवान बुद्ध की प्रतिमा हटाने का ग्रामीणों ने विरोध किया। बताया जा रहा है कि पिछले साल मई में भगवान बुद्ध की प्रतिमा स्थापित की गई थी। पड़ोस के खेत स्वामी रविंद्र पाल सिंह की शिकायत पर तहसील प्रशासन ने बुधवार को पहुंचकर बुलडोजर से प्रतिमा को हटवा दिया। इसकी जानकारी होने पर ग्रामीण मौके पर पहुंच गए और विरोध शुरू कर दिया। तमाम महिलाएं प्रतिमा के आगे लेट गईं और नारेबाजी करने लगी। ग्रामीणों के विरोध पर प्रशासन बैकफुट पर आ गया। फिलहाल मौके पर पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। दिल्ली हाईवे पर कंटेनर में घुसी प्राइवेट बस, 12 घायल। मीरगंज में दिल्ली हाईवे पर टायर पंचर होने के बाद सड़क किनारे खड़ी पिकअप में तेज रफ्तार कंटेनर ने टक्कर मार दी और रोड पर बीचोंबीच आ गया। इस दौरान पीछे से आ रही प्राइवेट बस कंटेनर में जा घुसी। जोरदार धमाका होने पर यात्रियों में चीख पुकार मच गई। सूचना पर पहुंची पुलिस व NHAI की टीम ने मौके पर पहुंचकर बस को कटवाकर उसमें फंसे यात्रियों को बाहर निकाला। बस उन्नाव से चंडीगढ़ जा रही थी, उसमें करीब 50 यात्री सवार थे। हादसे में 12 गंभीर रूप से घायल हो गए। 3 की हालत नाजुक बताई जा रही है। पूरा हादसा CCTV में कैद हो गया। उसके आधार पर पुलिस मुकदमा दर्ज करने की तैयारी कर रही है। पत्नी को कमरे में बंद करके चाकू से किए ताबड़तोड़ वार। फतेहगंज पश्चिमी थाना क्षेत्र में माली पानी की टंकी के पास रहने वाले फिरासत का पत्नी से बुधवार को किसी बात को लेकर विवाद हो गया। गुस्से में उसने पत्नी को कमरे में बंद करके चाकू से ताबड़तोड़ वार किए। महिला की चीख पुकार सुनकर पड़ोसियों ने उसे बचाया व थाने ले गए, वहीं आरोपी पति फरार हो गया है। फिलहाल आज के बरेली बुलेटिन में इतना ही। बरेली से जुड़ी ऐसी ही अन्य अपडेट्स पाने के लिए द लीडर हिंदी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।